हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू वाचिंग स्काई इज़ द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन का जो मैटर है वो है डाउट क्लियर। आप लोगों का जो डाउट है, आप लोग बहुत क्वेश्चन किए थे मॉपअप राउंड के बारे में, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए। आज 22 तारीख है, 4 बजे आप लोगों का मॉपअप राउंड का रिजल्ट निकल जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए, तो उन लोगों को पता चल ही जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन था जो आप लोगों को जानना चाहिए, अगर ना जाने तो हो सकता है मॉपअप राउंड में आपका कोई गड़बड़ हो जाए। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चंस जो है सब बंगाली में पूछा गया है, तो मैं ट्राई करूंगा बंगाली जो क्वेश्चंस है उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, फिर ट्रांसलेट करके मैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दे दूंगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मॉपअप राउंड की वेबसाइट है नामेर पास कॉलेज नाम लिखा था, मीन्स मॉपअप राउंड क्या आपके नाम के साथ आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो भी लिखा रहेगा, या फिर सिर्फ आपका नाम और रैंक लिखा रहेगा? देखिए, आपका नाम और सिर्फ रैंक लिखा रहेगा, आप एलिजिबल हैं यही आपको पता चलेगा। कौन सा कॉलेज आपको मिला है मुझे नहीं लगता आपको पता चलने वाला है। पहली बार ऐसा नहीं था, पर इस बार हो सकता है अपडेट करेगा, तो आपको आज 4 बजे पता चल जाएगा। हो सकता है इस बार अपडेट करे, पहली बार ऐसा नहीं होता था। पहले मॉपअप राउंड अलग होता था, इस बार से सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, तो हो सकता है इस बार आपको पता चल जाए कि कॉलेज कौन सा आपको मिला है, तो आप पेमेंट लेके जा सकते हैं। वरना पेमेंट आप कैसे लेके जाएंगे, ये भी एक बात है। तो हो सकता है आपका कॉलेज का नाम भी इस बार दे दे, और आप जैसे मैंने बोला था पार्टिसिपेटिंग कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग फीस में, तो वैसे ही आपको पैसा हो, कैश हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ऐसे आपको लेके जाना पड़ेगा आपका कौन सा कॉलेज मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अविक सेन ने पूछा ये क्वेश्चन, जेनपा मॉपअप राउंड काउंसलिंग एर प्रोसेसटा कैमन हबे। देखिए, मैंने एक ऑलरेडी इस पे ऊपर वीडियो बना के रखा है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मेरे जेनपा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मॉपअप राउंड प्रोसेस के बारे में एक वीडियो है, तो वो वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जे चॉइस कोनो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड राउंड दिए चिलो सही अनुजाई ना कि रैंडमली। देखिए, इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो उन्होंने चॉइस दिया था उसके अकॉर्डिंग मॉपअप राउंड होगा या रैंडमली। देखिए, रैंडमली तो नहीं होगा, आपका जो रैंक है वो रैंक के बेसिस में होगा। सबसे पहला जो रैंक है उसको सबसे पहला कॉलेज ऑफर होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बाद जाके बाकी रैंक के अनुसार उनको कॉलेज मिलेगा। जो चॉइस आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में दिया था वो चॉइस अभी नहीं होगा, क्योंकि सभी कॉलेज तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और हो सकता है जो कॉलेज मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है आपने वो कॉलेज ना दिया हो, तो क्या आप लोग मॉपअप राउंड से आउट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो पहले जो आप लोग चॉइस दिए थे वो भूल जाइए, वो चॉइस अभी कोई काम नहीं आने वाला। अभी रैंक के बेसिस में आप लोगों का जो है मॉपअप राउंड होगा, अगर आप एलिजिबल हो वो आपको पता आज चल जाएगा 4 बजे 22 तारीख, मतलब आज ही 22 तारीख है, 4 बजे आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, त्रिषा दास ने बीएससी नर्सिंग एर मॉपअप राउंडे लिस्टे ज़्यादा रैंक थाकबे तारा सबाई एडमिशन ना लिले सीट तो खाली थेके जाबे, मतलब सीट तो खाली रहेगा अगर सब एडमिशन ना ले। हाँ रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, ताहोले कि आर कोनो भावे सीटगुलो फिल अप करा जाबे। देखिए, अगर आपका रैंक सपोज पकड़ लीजिए 4000 समथिंग और आपको मॉपअप राउंड में बुलाया गया है, पर आपका रैंक है 4001 किसी एक का, उनको मॉपअप राउंड नहीं बुलाया गया है, तो अगर 4000 जो रैंक है लास्ट वाला रैंक और एक सीट खाली है, उन्होंने उनको पूछा गया कि आपको कॉलेज चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए, तो हो सकता है 4001 तक जाए और 4001 जिसका रैंक है उसको मिल जाए। तो ऐसा मत करिएगा अगर उसके मतलब बहुत पास, अगर सपोज पकड़ लीजिए 5000 रैंक तक बोला है कि मॉपअप राउंड में इस बार होगा, तो अगर आपका 5100 तक रैंक है तो मुझे जितना लगता है आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 100 रैंक तक वो आगे बढ़ जाए, सभी सब कॉलेज ना ले। जिस कॉलेज में सब तो सपोज फीस बहुत लगता है वो कॉलेज हो सकता है सभी ना ले, तो हो सकता है आपका अगर आसपास रैंक है 50-60 इधर उधर रैंक है तो हो सकता है आपको मिल जाए कोई अगर कॉलेज ना ले तो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड मॉपअप राउंड चांस पहले 23 अक्टूबर एडमिशन ना नहीं है, 24 अक्टूबर एडमिशन नीले होबे। तो देखिए, 23 अगर आपको बोला जाए तो आपको 23 जाना पड़ेगा, अगर 24 आपको बोला जाए मतलब 24 तारीख को अगर बोला जाए तो आपको 24 तारीख जाना पड़ेगा। वो आपके ऊपर नहीं है, वो लोग बोलेंगे कि कब आपको जाना पड़ेगा, किस रैंक से किस रैंक तक आज है और किस रैंक से किस रैंक तक 24 तारीख होगा। आशा करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिया कुंडू ने, शुद्ध की जरा अपग्रेडेशन कर तर की मॉपअप लिस्ट थकबे ना कि नूतन फेस्ट कैंडिडेट्स नाम थकबे। देखिए, जो लोग आपका विलिंगनेस फॉर्म फिलअप किए हैं उनका नाम रह सकता है, मतलब अगर उस रैंक तक जाए जो विलिंगनेस फॉर्म फिलअप किया है उनका ही नाम रह सकता है। अपग्रेडेशन ऐसा कुछ बात मॉपअप राउंड के लिए नहीं है, विलिंगनेस फॉर्म फिलअप अगर आपने किया है तो आपका नाम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
पायल गुप्ता, इन्होंने पूछा है ये क्या चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग होगा रैंक बेस्ड या फिर रैंक बेस्ड? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चॉइस फिलिंग आपने जो किया था वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में, वो आपका अभी नहीं रहेगा, ये आपके रैंक के बेस्ड ही होगा। मतलब आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको मैन्युअली कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लग रहा है तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, अगर आपको लग रहा है ये कॉलेज आपको नहीं चाहिए तो आप एडमिशन नहीं लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिमांड ड्राफ्ट और NEFT नाम इशू की नाम इशू है मेनली, एक्चुअली क्या इनका यही क्वेश्चन है। देखिए ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, जो कॉलेज आपको आज मिलेगा 4 बजे आपको पता चल जाएगा, वो कॉलेज में आपको वहाँ पे उसका मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए कि किस नाम से जो डिमांड ड्राफ्ट है और NEFT है ये आपका होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीयूष जैन ने पूछा है ये क्वेश्चन, दादा कौन कॉलेज पावो सेटा की कल जानते पारबो? मतलब कल पूछा था इन्होंने कि कल क्या जान सकते हैं कौन सा कॉलेज में आपको मिल रहा है। तो देखिए आज अगर आपको मिल जाए 4 बजे, मुझे जितना लगता है आज कॉलेज आपको बोल दिया जाएगा कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर बोल दिया जाए तो मुझे SMS करना, अगर नहीं भी बोला जाए तो क्या हुआ मुझे ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइए, मुझे जानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर जोदी ना कल कोनो कॉलेज पाई तबे कि जेते होबे 23 तारीख। देखिए कोई कॉलेज अगर ना आपको मिला है तो भी आप जाइए अगर आसपास आपका रैंक है। मैंने बोला है एक एग्जांपल लेके आपको, सपोज 5000 तक मॉपअप राउंड में गया है, तो अगर 5100 तक आपका रैंक है तो मुझे जितना लगता है आपको जाना चाहिए, हो सकता है अगर कोई ना ले आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए स्काई इज द लिमिट को और भी सपोर्ट कीजिए, एंड लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, शेयर मस्ट करना ताकि बाकी सभी को भी इस वीडियो के बारे में पता चले, और कमेंट मस्ट करना अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके मन में है और फ्यूचर में किसी भी टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।